हेलो गाइस, दिस इज विक्रम। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए ऑडियो टोन का स्पीकर लेकर आया हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं ऑडियो टोन में 15 इंच का स्पीकर 350 वाट का, 3 इंच वॉइस कोयल में। क्या स्पेशल है? स्पेशल ये है कि ये इतना इकोनॉमिक प्राइस रेंज में है कि आप अगर कोई भी ऑर्डिनरी स्पीकर यूज करते हैं उसी की प्राइस में आपको ये मिल जाएगा, वो भी ऑडियो टोन की ओर से। तो आज इस स्पीकर को करते हैं इस वाली कैबिनेट में फिट, इसके साथ ऑडियो टोन का ही एचएफ लगाते हैं 450 का, साथ ही साथ एक नेटवर्क लगा देते हैं इसमें और दो फ्लेयर लगाते हैं और इस पेयर को फिट करके चेक करते हैं। याद रखिएगा, ये वही पेयर है जो मैं 38,500 वाला मेरा जो मित्रों सेटअप है उसमें मैंने दिखा रखा है। तो आज आप लोग इस पेयर को सुनिए, चेक कीजिए कैसा बजता है सारी चीजें, और लेने के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करेंगे मैं और कंटेंट लाऊंगा और हम लोग आगे बढ़ेंगे और हमारा चैनल ग्रो करेगा और मैं आप लोगों के लिए मेहनत करूंगा और बहुत कुछ होगा। तो आज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पे फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ उस पर क्लिक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो है हमारा ऑडियो टोन स्पीकर के ऊपर। बॉक्स आप देख रहे हैं, अनबॉक्सिंग हम लोग कर रहे हैं। बॉक्स के अंदर है थर्मोकोल और एक स्पीकर, इसके साथ ओरिजिनल और जेन्युइन होने का सर्टिफिकेट, पॉलिथीन से निकला हुआ स्पीकर। स्पीकर बाहर आने के बाद इसका हम लोग क्लोज लुक देख रहे हैं। सो गाइस, दिस हैपन्स टू बी ऑडियो टोन AD15X350MG। ये एक 350 वाट का 15 इंच का मिड रेंज का स्पीकर है जिसका वॉइस कॉइल 3 इंच का है। चेसी काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, मैग्नेट भी काफ़ी छोटा है, लेकिन ओवरऑल ये बजता काफ़ी अच्छा है। डस्ट कैप इसका मशीन सील्ड है, कोन जो है स्मूथ लगा हुआ है। इसका इकोनॉमिक प्राइस रेंज में होने का एक बहुत बड़ा रीज़न है इसकी चेसी। चेसी की क्वालिटी मैं बोलूँगा मीडियम रेंज की है और इसी वजह से इसका प्राइस कम हो चुका है। हालांकि इसका मैग्नेट जो है ये 300 वॉट का आउटपुट देने के लिए सक्षम है। दो स्पीकर फिट करेंगे हम लोग आज और दोनों सिंगल 15 इंच कॉलम में फिट होंगे। ये टेस्ट होगा हमारा 500 वॉट के एम्पलीफायर पे, ताकि आप लोग इसे लाइव और डीजे दोनों में चला सके। इस स्पीकर के साथ अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है 450 का एचएफ अगर आप लोग सिंगल 15 इंच में इसे यूज़ करते हैं, और अगर आप लोग इसका डुअल 15 बनाना चाहते हैं तो एक बहुत ही लाइट वेट में आपको बहुत अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें आप लोग 80 वॉट की एचएफ लगा के इसे चला सकते हैं। ये इसमें हमने एचएफ फिट कर ली है और अभी हम लोग इसके साथ ये नेटवर्क्स लगाने वाले हैं। ये सब कुछ आज फिट जो होगा ये होगा हमारे 3 फीट के बॉक्स में। हमने रेगुलर 15 इंच बॉक्स को नहीं चूज़ किया, उसे बड़ी साइज चूज़ की है ताकि हम लोग इसका बेस अच्छा निकाल सकें और इसे सिंगल यूज़ करने के बावजूद भी डुअल जैसा आउटपुट आपको दे सकें। तो इन स्पीकर्स को हम लोग जो कैबिनेट में लगाने वाले हैं वो कैबिनेट है कुछ इस टाइप का। ये SRX मॉडल का ग्रिल है और स्क्वायर कैबिनेट है, क्योंकि विकी वैन का ब्रांडिंग होना जरूरी है। पेयर का हालांकि मैं प्राइस आपको बताऊं, ये लगभग 21,000 का पेयर बन जाता है अगर आप लोग इसे बनाना चाहते हैं तो।
हालांकि इस स्पीकर को फिट करने के लिए आपको इसे पहले सोल्डर करना होता है। जनरली ऑडियोटोन के स्पीकर्स में हम लोग आजकल पुश बटन वाले टर्मिनल्स देखते हैं, लेकिन वो इस वाले मॉडल में नहीं है। यहाँ पे एलेंकी नट बोल्ट यूज़ किया गया है फ्लेयर फिटिंग के लिए, और स्पीकर के लिए भी वही नट यूज़ होने वाला है। एम्प्टी कैबिनेट हमारा कुछ इस टाइप का दिखता है, आप लोग अंदर से देख सकते हैं। इसमें ग्लास वूल लगा हुआ है और नेटवर्क हमने ऊपर फिट कर रखी है, और अब इस प्लाईवुड के बॉक्स में हम लोग ऊपर फ्लेयर जिसमें HF लगा होगा 450 का, और नीचे स्पीकर हम लोग फिट करने वाले हैं। कुछ इस टाइप से ये एलंकी नट बोल्ट इसमें फिट हो जाता है, ताकि स्पीकर कितनी ही जोर से भी पटका जाए, अंदर का स्पीकर खुल के बाहर ना आए कैबिनेट के, क्योंकि मटेरियल ओवरऑल इंडिया भी ट्रैवल करता है। इस कैबिनेट के अंदर हम लोग स्पीकर को फुल रेंज में बजाने वाले हैं। हम लोग HF को सिर्फ नेटवर्क लगाएंगे, ताकि स्पीकर का पूरा आउटपुट आपको ढंग से मिल सके। कैबिनेट हमारी लगभग फिट हो चुकी है, अब इसे स्क्रू लगाने की बारी है, और जैसे इसके स्क्रू कंप्लीट होते हैं इसे एक बार जोरदार हम लोग टेस्टिंग कर लेते हैं। इसे फाइबर हैंडल देने का एक बहुत अच्छा मकसद है, ताकि फ्यूचर में भी कभी अगर इसका हैंडल ढीला भी हो जाता है तो आपका हैंडल आवाज़ ना करे। मेटल हैंडल टाइम के साथ आवाज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। ये इसका एलंकी कसा हुआ था, और जैसे मैंने बताया फ्लेयर भी एलंकी से ही कसा गया है। अब हम लोग हमारे मित्रों सेटअप के अंदर यूज होने वाले एम्पलीफायर यानी कि 500 वॉट के एम्पलीफायर पे इसे हम लोग पैक करके टेस्ट करेंगे, और आप लोग अपने हेडफोन लगा लीजिएगा ताकि इस टेस्टिंग का पूरा आप लोग आनंद ले पाए।
350 वॉट का ये जो स्पीकर है, आप इसे 300 वॉट का RMS मान के चलिए, इसमें आपको 450 का जो HF लग रहा है उसके साथ एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाता है। और इसे जैसे मैंने एक 500 वॉट के एम्पलीफायर पे चला के दिखाया, तो अगर आप लोग लाइव के प्रोग्राम लेते हैं तो इसे आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, और DJ में इसे आप हाई मिड्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। मतलब इसमें से आप लो मिड ना निकालें, इसे हाई मिड के लिए यूज़ कीजिए, तो आपको इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, और नियरेस्ट डीलर से कॉन्टैक्ट करके आप इसे ले भी सकते हैं। आशा करता हूँ कि ऐसी वीडियोस भी आपको पसंद आएंगी जो मैं थोड़ी शॉर्ट रख रहा हूँ और स्वीट रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइस।